हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये वाला डिजाइन। इस डिजाइन को मैंने गोल्डन डस्ट के साथ बनाया है। इस डिजाइन को आप साड़ी के बॉर्डर पे, सूट के बॉर्डर पे, दुपट्टा पे, स्टॉल पे बना सकते हो। इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने आर्म्स पे भी बनाया है। थोड़ा सा इसमें से डिजाइन लेके आप इसको हैवी भी कर सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये पेंटिंग बनाने के लिए हमें बनाना होगा कलर। उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, उसमें डालेंगे गोल्डन डस्ट पाउडर। थोड़ा सा बाइंडर डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, अगर बाद में ज़रूरत लगे तो हम और डालेंगे। तो इसको ब्रश के साथ ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह से घोल लेना है ताकि ये पूरा स्मूथ हो जाए। अब हमने जिस कपड़े में पेंट करना है उसको बिछा लेंगे। नीचे आप कोई कार्डबोर्ड या कोई हार्ड कपड़ा रख सकते हो। अगर आप चाहो तो फ्रेम में भी कपड़ा लगा सकते हो। मैंने लिया है 5 नंबर राउंड ब्रश। ब्रश के साथ में करूंगी आउटलाइन। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप फ्लैट ब्रश के साथ भी कर सकते हो। गोल्डन डस्ट की पेंटिंग के लिए आपने ध्यान रखना है कि जो भी कपड़ा लेना है डार्क कलर का लेना है। डार्क कलर के ऊपर गोल्डन पेंटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप लाइट कलर लोगे तो उसके ऊपर वो नजर नहीं आएगा। अब मैं लूंगी ब्रश, फ्लैट ब्रश 2 नंबर, 3 नंबर, आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, और उसके साथ इस तरह से ऊपर से खींचते हुए मैं शेडिंग करूंगी ऊपर से नीचे की तरफ। आपने ऐसा नहीं करना है कि सारे फूल की आउटलाइन करके बाद में बनाना है, आपने साथ साथ ही मिक्स करना है। हमने ब्रश को टेढ़ा नहीं करना, इस तरह से सीधा रखकर नीचे की तरफ खींचना है। इस तरह से बिल्कुल सीधा रखते हुए नीचे की तरफ खींचते हुए शेडिंग करेंगे। आउटलाइन करने के बिल्कुल साथ साथ ही हमने शेडिंग करनी है। अगर हम आउटलाइन सूख गई तो वो अलग नजर आएगी और मिक्स नजर नहीं आएगी। इसी तरह हम सारे फूल बना लेंगे। ये गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, फैब्रिक कलर से भी ज्यादा स्मूथ चलते हैं। इसके साथ पेंट करना बहुत इजी लगता है। अगर आपके एरिया में आपके आसपास गोल्डन डस्ट नहीं मिलता तो आप गोल्डन मेटैलिक कलर के साथ भी इस पेंट को कर सकते हो। गोल्डन डस्ट का फायदा ये है कि ये बहुत लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं।
इसको 6 महीने साल जब तक आप चाहो रख सकते हो, जब मर्जी यूज कर सकते हो मिक्स करके। लेकिन जो मेटैलिक कलर है उसमें अगर बॉटल खुल गई उसके बाद वो बहुत जल्दी सूख जाता है, उसको फिर फटाफट से यूज करके फिनिश करना पड़ता है। अगर आप गोल्डन डस्ट के साथ ही करना चाहते हो और आपके आसपास नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर बाय कर सकते हो। इस कलर को आपने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बनाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब हम बनाएंगे 000 राउंड ब्रश के साथ स्टेम्स और उसके साथ छोटी छोटी पत्तियां।
ये हमारा सूट का नेक कंप्लीट हो गया है। अब मैं बनाऊंगी आर्म्स। वही सेम डिजाइन, उसी में से एक फूल लिया है, उसी को मैं आर्म्स पे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आर्म्स को ज्यादा हैवी नहीं बनाना। अगर आप चाहो तो दो फूल, तीन फूल, पूरा बंच बना सकते हो। अगर आप चाहो लाइट रखना है तो इतना ही बना सकते हो। ये देखिए दोनों आर्म्स भी बनके रेडी हो गई हैं। अगर आप चाहो तो जो हमने नेक पे डिजाइन बनाया है कुर्ती के बॉर्डर पे, उसी डिजाइन को बना सकते हो। मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैंने ज्यादा हैवी कुर्ती को नहीं बनाना था। तो देखा कितना आसान है इस डिजाइन को बनाना। आप भी इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।